हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ऑफिस के पास हुई 1.5 लाख रुपए की लूट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान पाठशाला, किसानों के आय दुगना करने की दी गई शिक्षा। कैंट थाना क्षेत्र में गैस लीकेज शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक युवती की जलकर हुई मौत, कई लोग हुए घायल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बैठक, केंद्र व्यवस्थापकों को पढ़ाया नैतिकता का पाठ, कहा संपन्न कराएं नकल विहीन परीक्षा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर खजांची से एचएन सिंह चौराहे तक चला जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी का संयुक्त अभियान, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ में फोर्स के साथ रहे मुस्तैद। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा जो भी हो रहा है वो उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और गलत बयानी कर रहे हैं नौकरशाह। असुरन चौक से खजांची तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण में डीएम ने लोगों से की अपील, कहा अपना सहयोग दे स्थानीय जनता। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भोलेन्द्र सिंह की स्मृति में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा, लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश, अर्पित किया श्रद्धासुमन। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 दिसंबर से शुरू होगा प्राथमिक विद्यालयों की 2 दिवसीय मंडल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्रीड़ा स्थल का किया निरीक्षण। भाजपाइयों ने चेतना तिराहे से निकाली गांधी स्मृति कमल पद यात्रा, लोगों को गिनाई केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, 2019 में केंद्र में भाजपा सरकार बनाने की अपील। 5 व्यावसायिक मुख्य मार्गों के सफाई एवं कूड़ा निस्तारण हेतु 5 वाहनों को महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा सिटी बजाकर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करें सफाई कर्मी। और बकाया भुगतान न मिलने पर कार्य बहिष्कार कर रहे जलकल विभाग के ठेकेदारों ने आश्वासन मिलने पर कार्य बहिष्कार किया खत्म, शनिवार से लौटेंगे काम पर।